अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी फ्रीलांसर हैं या आप भी ऑनलाइन काम करते हैं, मतलब कि अगर आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, तो आपको क्लाइंट सर्च करने की अशद ज़रूरत होगी। हर बंदा ये चाहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट हो, लेकिन उनको उन मेथड का पता नहीं होता कि किस तरह वो क्लाइंट फाइंड करें, कहाँ से क्लाइंट फाइंड करें, और अगर कोई चीज़ उसको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसके ऊपर उसको वर्किंग करना नहीं आती। तो मैं आपकी इस परेशानी को हल करने के लिए, अब मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी उनमें से अक्सर क्लाइंट फाइंड के ऊपर होगी कि आप किस तरह, किन तरीकों से और कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हुए उसी प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसे फिल्टर्स बोलते हैं, आप अपनी मर्जी के, आप अपनी मर्जी की लोकेशन के, आप अपनी मर्जी के नीच के ऊपर क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको क्लाइंट्स मिल जाए, आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मिल जाए, आपको वो फॉर्म मिले जिनके ऊपर आप क्लाइंट फाइंड करें और ऑनलाइन अर्निंग करें। तो ये वाली वीडियो भी इसी चीज़ के ऊपर है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे, करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह क्लाइंट फाइंड करते हैं, किस तरह क्लाइंट फाइंड करेंगे इस मेथड के ज़रिए, ये कौन सा मेथड है, कहाँ से हम क्लाइंट फाइंड करेंगे, कौन सा ये प्लेटफॉर्म है। तो इस सब को देखने के लिए और वीडियो में नेक्स्ट आगे जाने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इसको लाइक करें। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पूरी देखा करें, फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछा करें। अक्सर वीडियोज़ पूरी नहीं देखते और वो सवाल जवाब करते हैं, तो इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, इसमें आपका ही फायदा है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने चलते हैं कंप्यूटर पे और देखते हैं कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है और कैसे और किस तरह हम क्लाइंट फाइंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। तो सबसे पहले आपने क्रोम ओपन कर लेना। क्रोम ओपन करने के बाद आपने yelp.com ऐड कर देना, मतलब के लिख देना। लिखने के बाद आपने कर देना इंटर। इंटर करने के बाद ये आपके सामने येल्प का प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है। ये प्लेटफॉर्म हमें क्लाइंट फाइंड करने में मदद देगा। और अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर आप इसको साइन अप करना चाह रहे हैं, इसको साइन अप कर लें। अगर आप नहीं साइन अप करना चाह रहे, साइन अप के बगैर भी हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये इसका सर्च बार है। सर्च बार मतलब कि आपको USA के कौन से एरिया के, कौन सी स्टेट के आपको क्लाइंट चाहिए, ठीक है। तो इधर आपने वो पुट कर देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना कि ये रेस्टोरेंट्स है, मतलब कि ये डिलीवरी, बर्गर, चाइनीज़, इटालियन फूड वगैरह, ये वो, थाई, मैक्सिकन, जापनीज़, इस तरह आप कोई भी, मतलब कि उधर वो फूड वगैरह मंगवाते हैं, ये फूड के रिलेटेड या खाने के रिलेटेड सारे ही वेबसाइट्स होंगी। इसको जब हम क्लिक करेंगे, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वर्किंग करेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले इसके जो जो ऑप्शंस है, फीचर्स हैं, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। तो नेक्स्ट है होम सर्विसेज, मतलब कि इसमें वो वेबसाइट्स निकलेंगी, आप वो क्लाइंट्स फाइंड करेंगे इधर से जो सॉरी होम रिलेटेड, होम के रिलेटेड हो, मतलब कि ये देखो कॉन्ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिशंस, होम क्लीनर्स, ये लैंडस्केपिंग, ये वो मूवर्स वगैरह, प्लम्बर्स, ये जो आपकी कंपनीज में, आपके घरों में, आपकी मिल्स, फैक्ट्री में, ये आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये उस चीज़ के रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं ऑटो सर्विसेज, ऑटो रिपेयर, ऑटो डिटेलिंग, मतलब कि ये सारा कुछ ऑटोज के रिलेटेड। जब हम इस एक एक को ऑप्शन को प्रेस करेंगे, हमें इसके रिलेटेड ही वेबसाइट्स मिलेंगी। रिलेटेड वेबसाइट मतलब कि ऑटो के, मोर पे चले जाएं, ड्राई क्लीनिंग, फोन रिपेयर, मतलब कि ये जो ऑप्शंस, ये जो फीचर्स इसने दिए हुए हैं, जब आप इनको एक एक करके क्लिक करेंगे, इसी के रिलेटेड ही वेबसाइट्स ओपन होगी। अब आपने देखना कि आपने किस नीच के ऊपर काम करना, किस नीच के आपको क्लाइंट चाहिए, तो आप इधर से देख सकते हैं। तो करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या किया कि आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए कि आपने किस लोकेशन से, यूएसए के किस लोकेशन से आपने निकालने हैं क्लाइंट। तो इसके लिए ये देखें, ये मैंने ना लिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, या यूनाइटेड स्टेट्स की ना ये लिस्ट है पूरी, उसके जो कैपिटल, उसके जो स्टेट्स वगैरह हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, ये देखें। तो
तो इधर से आपको आइडिया मिल जाएगा मैंने क्या किया। मैंने अलबामा, इसका कैपिटल अलबामा, इसका स्टेट है, मैंने कंट्रोल सी किया। इधर आके मैंने इसके सर्च बार में कंट्रोल वी कर दिया, मतलब कि पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद वो आपको ये कह रहा है कि इस स्टेट के आप किस एरिया से ये जो है ना सर्विस लेना चाह रहे हैं। मतलब वो तो एक सर्विस बता रहे हैं ना, आपने अपना काम करना, आपने उनकी वेबसाइट से निकालनी, फिर उधर से आपने उनके कॉन्टैक्ट निकाल के आपने उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू काम करना। ये देखें आपने कर दिया ये। इसको करने के बाद मैंने पहला ही प्रेस कर दिया, मतलब कि मैं अलबामा स्टेट में चला गया, ठीक है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क की यूनाइटेड स्टेट्स की कंट्री होगी। ओके, तो मैंने इसको कर दिया फिर सर्च। ये देखें कि अब इसने हमें ये चीज़ें शो किया, लेकिन इसको करने के बाद आप ये देखें कि आपने किस नीच के ऊपर काम करना, आपने उस ऑप्शन में चले जाना और उसको आपने कर देना क्लिक। चले मैं करता हूँ होम सर्विसेज की। होम सर्विसेज के ऊपर हम चले जाते हैं होम क्लीनर में, ठीक है, मैंने कर दिया होम क्लीनर को क्लिक। अब ये सारी वेबसाइट्स होम क्लीनिंग के रिलेटेड ही ओपन होंगी, ठीक है। ये देखिए ना, ये सारी इसी के रिलेटेड ओपन हुई है, ये देखिए क्लीनिंग वाली, सारी क्लीनिंग वाली। अब आपने क्या करना कि ये जिधर उन्होंने अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखा हुआ आपने उसको कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद ये देखें न्यू पेज में वो ओपन हो जाएगा आपके, न्यू टैब में। तो इधर इसकी पड़ी होगी वेबसाइट, या ऊपर होगी या नीचे होगी, ठीक है। आपने क्या करना, आपने इसकी वेबसाइट को उठाना, उठा के आपने इसको क्लाइंट्स लिस्ट में रख देना, या आपने इसको उठा के इसमें से आपने ईमेल्स निकालनी, या क्या आपने किसके थ्रू आपने इससे रابطہ करना, वो आप ईमेल निकालें, इसको आप ईमेल्स करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करे और आपको ऑर्डर मिले, जवाब मिले, ठीक हो गया। इधर से इसको जब आप क्लिक करेंगे न्यू टैब में चला जाएगा, तो इधर से ही इसका वो सिस्टम हो सकता है और आप इधर से ही इसकी वेबसाइट भी उठा सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे वेबसाइट पर चला जाएगा, तो उधर से आप फिर आप इसके कॉन्टैक्ट निकाल लें, ठीक है। तो मैं इसको अब करता हूँ रिमूव, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये आ गया जी, अब मैं करता हूँ नेक्स्ट को क्लिक। ये देखें कि ये भी एक कंपनी है, ये भी इसी तरह ही सर्विस दे रही है। अब आपने भी इसकी वेबसाइट फाइंड करके उसमें से ईमेल निकाल के आपने इसकी कोशिश करनी है कि आप इनके साथ रابطہ करें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये देखें, मतलब कि आपको काम होना चाहिए, आपको वेबसाइट्स मिलनी चाहिए। अगर आपको वेबसाइट्स ना मिले किसी की, जैसे वो पिछली की वेबसाइट नहीं मिली, तो आपने फिर इसका टाइटल उठाना, टाइटल उठा के आपने न्यू टैब में जाके रख देना, फिर उधर से देख लेना इसकी वेबसाइट कौन सी है, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये मैंने थर्ड वाला किया और ये इसकी वेबसाइट पड़ी। आपने वेबसाइट उठानी, वेबसाइट उठा के इसमें ईमेल कॉन्टैक्ट निकालना, निकाल को आपने इनको ईमेल कर देना, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ अब इसको बंद। चलें नेक्स्ट की तरफ देखते हैं कि अब इलेक्ट्रिशियंस की तरफ। मैं अब इलेक्ट्रिशियंस नीच के ऊपर ये मैंने किया प्रेस, ये हम देखते हैं। चले मैं इसको करता हूँ क्लिक, ये मैंने कर दिया क्लिक। आपने भी ऐसे ही करते जाना है। ये देखें, ये इसकी वेबसाइट पड़ी हुई है। आपने इधर से इसकी वेबसाइट को क्लिक करना या उठाना, जैसे भी जो भी आपको बेहतर लगे वो करके अपने उसमें से ईमेल निकाल के आपने इनको ईमेल करनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आ रही है। इसी तरह आप कोई भी नीच के ऊपर काम कर सकते हैं। ये देखें, ये रेस्टोरेंट्स है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपने फूड के ऊपर करना तो आप इधर से करें, अगर आपने होम सर्विसेज के क्लाइंट्स निकालने फिर आप इनको करें, अगर आपने ऑटो सर्विसेज के निकालने आप फिर इधर से करें। ये मोर भी है, मतलब मोर में आप ड्राई क्लीनिंग, ये वो जो चीज़ें, फ़ोन रिपेयर, आप इधर से भी जो भी नीच के ऊपर काम करना चाह रहे हैं आप इधर से कर सकते हैं। और अगर आपने ये एक चीज़ के ऊपर काम कर लिया, मतलब कि आपने ये फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को सीए में आपने वर्किंग कर लिया, फिर आप नेक्स्ट की तरफ चले जाएं, फिर आप उसे नेक्स्ट की तरफ चले जाएं, मतलब कि ये डाटा ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक हो गया। ये देखें, इसका 93 DA है और इसकी ट्रैफिक भी बड़ी अच्छी है। ये देखें, 192 शारिया 192 मिलियन है इसकी ट्रैफिक। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये वाला, ठीक है, Yelp.com। इधर से आप क्लाइंट फाइंड करें, आप इधर से वर्किंग करें, आपको एक न्यू चीज़ सीखने को मिली है, इसके ऊपर आप काम करें, ठीक
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आई है। तो अगर मज़ीद कोई भी आप मालूमात लेना चाह रहे हैं तो यूट्यूब के बैनर के ऊपर मेरा नंबर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी क्लाइंट्स के ऊपर, टूल्स के ऊपर। अगर आप क्लाइंट फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं, तो मेरी पूरी वीडियोस देखें, और वीडियो भी मतलब कि स्किप ना करें, उसमें 1 सेकंड भी, और सारी देखें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।